नागपुर जिले के मौला थाने के सामने आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी मौला थाना क्षेत्र के गुमथाला इलाके में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। आरोपी का नाम रघुवेंद्र उपाध्याय है। वो अपनी महिला सहकर्मी को बार बार वीडियो कॉल कर छेड़खानी कर रहा था। आरोपी बार बार पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जब वो महिला से अश्लील वीडियो चैट करने के लिए दबाव बना रहा था तो महिला ने मौदा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। मौदा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। इस दौरान पहले से तैयारी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपी की अच्छी धुनाई कर दी। आरोपी पर अचानक हुए हमले ने पुलिस को हैरत में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी रघुवेंद्र को भीड़ के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है। इस घटना को लेकर कुछ देर के लिए मौदा थाने में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता और उसका पति दोनों नागपुर शहर के बाटुड़ा इलाके में रहते हैं। पति पत्नी एक ही कंपनी में कार्यरत है। आरोपी रघुवेंद्र उपाध्याय सुपरवाइजर का काम करता था। इस बीच आरोपी रघुवेंद्र ने पीड़िता को प्रेम जाल में खींचने की कोशिश की, लेकिन महिला ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। आरोपी ने महिला को वीडियो कॉल कर उसके करीब जाने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी ने महिला से कहा कि मेरे साथ वीडियो चैट करते समय तुम्हें निर्वस्त्र होना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। जिस कारण पीड़िता डर गई, उसने सारी बात अपने पति को बता दी। उसके बाद उन्होंने मौदा थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी रघुवेंद्र उपाध्याय कंपनी में अकेले पीड़िता के पास पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। पीड़ित महिला ने शिकायत में इस तरह की जानकारी भी पुलिस को दी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने ही धरना शुरू कर दिया था। इसी दौरान पुलिस कर्मचारी आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रहे थे। ये देख आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोपी रघुवेंद्र उपाध्याय पर हमला बोल दिया और उसे जमकर धुनाई कर दी। पोलीस भरती है का विचारता तुम्ही? पुन्हा 29 तारखेला का आले म्हणून? 29 पासून गेली का नाही ते तुम्ही सांगता 4 तासापासून तो त्याला आरोपीला फिरवत आहे। 4 ते जाऊ दे फिरवत नाही। मी काय म्हटलं त्याला इकडे आणून का नाही? उद्या पळायला म्हणजे युपीचा तो माणूस आहे, पळत नाही, ताब्यात आहे आमच्या झालं, पळत नाही तो युपीचा माणूस तो आहे। उद्या पैसे खाऊन तुम्ही सोडलं तर पळत नाही तो आमच्या, जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे बसणार। त्याच्याची कशा, जोपर्यंत येत नाही त्याला त्याला इथे दाखवा। या पुरीच्या कुठ गेले? त्या पुरीच्या जर कमी जास्त झालं, तिने जर आत्महत्या केली, तिची मेंटॅलिटी खराब झालेली आहे। ती रस्त्यातच गाडीतून कुंद्याच्या जाईत होती, तिची जर ती जर मरण पावली, तिची आत्महत्या, तिने जबाबदार पोलीस स्टेशन राहणार आहे। 4 तासापासून मी थांबलो, तुम्ही का आणलं नाही? 4 तासापासून गेली आहे ना ती? 4 तास झाले मला, आता 6 4 कसे जास्त झाले? टीम गेलेली आहे, त्यांच्या ताब्यात आहे। ते फक्त ते घटना आली, बाई मरण पावली, तिथे पंचनामा करणार। हो बाई मरण पावली मला माहित आहे, कुठं बाई मरण पावली तेही माहित आहे। मग तुमच्यासोबत तुमची पी आय पण गेली आहे, मग तुम्ही त्याला इलं का? गाडी एकच आहे ना, उत्तर देऊन राहिले। तुम्हाला माहित आहे त्याला वाचवायचं आहे, तुम्ही आरोपीला पाठीशी घालून राहिले। 5 तास झाल्यापासून आम्ही इथे ओरडलो, तुम्ही त्याला आरोपीला पंचनाम्यासाठी फिरून ते बाई मिळते घेऊन चालले। एवढं मोठं आणि ही इथे आत्महत्या करणारी ही पोलगी
तिथे लहान लहान मुलं आहे, ती जर आता इथे आत्महत्या केली ते जबाबदार कोण? त्याला ते मेले तिच्या पाठीमागे फिरवून तुम्ही तिचं आरोपीचं काय घेणं देणं? त्या आरोपीला का फिरवता त्या तिकडे? फिरवत नाही कोणी, अटक दाखवली भेटले मला पत्रकार बंधू पाच वाजता आहे बरोबर, ती मुलगी पण माझ्यासोबत आहे, उतरवल्या गेल्या, तिच्या लसीन घेतला, तिच्या मिस्टर गेला, त्याला जिवंत मारण्याची धमकी दिली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, केसरी उज्ज्वला न्यूज, मौदा.